What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 11 दिसंबर 2019 वेनसडे है, सुबह के 8:10 हो रहे हैं। कल हमने निफ्टी इंडेक्स में देखा एक बुलिश टू बियरिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ था, जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और फिर नेकलाइन का ब्रेकडाउन मिलने के बाद हमें और भी निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। शुरू में काफी स्लगिश मार्केट था और बाद में सेकेंड हाफ में जो मूवमेंट आया तो उसने नेकलाइन को भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया टूवर्ड साउथ की तरफ। तो अभी ये दिसंबर मंथ चल रहा है, तो दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है, तो यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट खास करके वहां पर बड़े कई सारे लोग वैकेशन पे चले जाते हैं, तो एक दिसंबर मंथ में एक स्लो डाउन देखने को मिलता है दुनिया भर के बाजार में। तो अभी आगे की चाल कैसी होगी निफ्टी इंडेक्स में। कल थर्सडे वीकली एक्सपायरी का दिन है, कल सीपीआई और आईआईपी यानी इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आने वाले हैं, तो इसके बाद हो सकता है इंडियन मार्केट्स में और भी एक नेक्स्ट डायरेक्शन में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करने लगे। तो आज क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 10 दिसंबर आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 11,983 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 11,917। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और जैसे ही हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टारगेट 11,904 ये अचीव्ड हुआ और सेकेंड टारगेट 11,889 ये भी यहाँ पर अचीव्ड हुआ। काफी देर तक इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था इस लेवल को, और इसके बाद जैसे ये भी लेवल ब्रेक हुआ और भी निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात भी देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट में नासडैक देखे तो हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट में भी ज्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं था, एक स्लगिश मूव था, मिला जुला कारोबार वहां पर भी देखने को मिला। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स और चाइना मार्केट और हांगकॉन्ग मार्केट में अभी थोड़ा सा एक स्लगिश पैटर्न चल रहा है, थोड़ा मिला जुला कारोबार वहां पर भी देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 32 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में अभी फिलहाल थोड़ा सा मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है, वन साइड डायरेक्शनल ट्रेंड देखने को नहीं मिल रही है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। कल जैसे कि हमने यहाँ पर एक पैटर्न देखा था बुलिश टू बियरिश रिवर्सल पैटर्न, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड है और ये है उसका राइट शोल्डर। तो यहाँ पर ये जो नेक लाइन बन रहा था, नेक लाइन का भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमें कल मिला और यहाँ से और भी टूवर्ड्स निफ्टी अभी साउथ की तरफ मूव कर रहा है। एक बार नेक लाइन को फिर से ये ऊपर की तरफ जब आ रहा था तभी यहाँ पर 20 EMA भी था और नेक लाइन भी यहाँ पर ही सेम आ रहा था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके ये फिर से अभी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर रहा है। जब भी नेक लाइन के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है या फिर नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो ऊपर जाने के बाद ये फिर से एक बार टेस्ट करने के लिए नेक लाइन को आता है और फिर ऊपर जाता है। जब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तभी ये नीचे जाता है और फिर एक बार आके नेक लाइन को रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है। तो ये एक्चुअली ये पैटर्न है, ऐसे मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो अभी अगर ये टूवर्ड्स और भी साउथ की तरफ मूव करता है तो कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को अगर ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं ये जो 23.6% का लेवल है 11,906 के पास, ये यहाँ पर इसने लास्ट टू डेज यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट किया था, वो सपोर्ट कल इसने ब्रेक किया। तो अभी ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ अगर मूव होता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 11,750 जो कि 38.2% का लेवल है, जहाँ पर ये 50 EMA का ये मूविंग एवरेज जो है ये भी यहीं पर आ रहा है।
तो 11,750 के अराउंड एक सपोर्ट बनता है निफ्टी इंडेक्स में, अगर ये टुवर्ड साउथ की तरफ और भी मूव करता है तो। अभी स्ट्रक्चर देखें तो ये बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन, मिड टर्म ट्रेंड लाइन और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, ये जो है इसमें से शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, यानी हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका डाउन है, लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। तो कंप्लीट डाउन ट्रेंड नहीं है, अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट अभी होगा 11,750 का एज पर डेली चार्ट, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। लास्ट टू डेज ये 11,906 को सपोर्ट टेस्ट कर रहा था और कल इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, साथ ही साथ जो पैटर्न बना था हेड एंड शोल्डर इसके नेक लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो अगर अभी यहाँ से अगर अपसाइड मूव आना है तो पहले तो इसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज होना पड़ेगा, और यहाँ से एक अगर इनडिसिजिव मूव 20 EMA के ऊपर दिखाई देती है तो ही यहाँ से अपसाइड रैली फिर से कंटिन्यू हो सकती है, वरना अगर यह टुवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो फर्स्ट अभी सपोर्ट होगा 11,750 के पास, जो कि 50 EMA का भी मूविंग एवरेज उसी लेवल के पास आ रहा है। चलते 60 मिनट की चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी कल का अगर ये लो ये ब्रेक करता है, यानी 11,844 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 11,830, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 11,816 के पास है, जहां पर हम देख सकते हैं पास्ट में इसी लेवल के पास इसने एक सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल स्टिक है इसको कम्प्लीटली ब्रेक करने दीजिए, उसके ऊपर पिवट पॉइंट का लेवल है, तो इन लेवल्स के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, यानी 11,884 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,899, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर एक स्विंग लो बना था कल के वीडियो में, हम लाइन चार्ट में यहाँ पर एक स्विंग लो देखा था, ये देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा जो कि 11,916 है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।